बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे, सब इसको फॉलो करने के साथ आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को भी निहायत गौर के साथ सुन रहे होंगे, और जो आपको क्लास वर्क में काम करवाया जा रहा है, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको अच्छी सी राइटिंग में प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आज में राइट ना हो, आप अभी मुझसे पूछें ताकि आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके बहुत अच्छे तरीके से काम करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर को शेयर करें। ओके, टुडे इज 23rd अप्रैल 2021 एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 फॉर ग्रेड 3 एंड टुडे इज फ्राइडे। ओके, एंड टुडे टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़े हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कि गुफ्तगू के अज्जा होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन के बारे में, तो सबसे पहले आपको नाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन और द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोनाउन, द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह ले लेता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा वर्ब, ठीक है, काम, अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एक्शन, एनी एक्शन, किसी भी काम के बारे में हमें बताता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े ब्रश करना, स्कूल आना, स्कूल से जाना, पढ़ाना, गाना, पढ़ना, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एक्शन, किसी भी किस्म का काम। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट वर्ब। एडवर्ब क्या है, कि हमें बताता है कि वर्ब किस तरीके से सरंजाम दिया किसी भी शख्स ने, आपने, मैंने, ठीक है। एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में हमें मजीद डिटेल में बताता है, ठीक है। इसकी हमने एक्टिविटीज करनी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो आप अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें ग्रेड 3 के लिए और पेज नंबर आ जाएं पेज नंबर 7 पे, ठीक है। एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट वर्ब्स, दे टेल अस हाउ, कैसे, वेयर, कब, व्हेन एंड हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कि किस तरीके से ये काम सर अंजाम पाया। मैंने एडवर्ब्स एंड इन एडवर्ब, एडवर्ब की एक निशानी उन्होंने हमें बता दी कि जो हमें एक एडजेक्टिव दिया जाएगा उसके एंड पे हम एडवर्ब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, शी राइट्स क्विकली, क्विकली इज एडवर्ब। ही डज हिज वर्क केयरफुली, केयरफुली इज एडवर्ब। दे वर सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली इज एडवर्ब। द स्नेल मूव्स स्लोली, स्लोली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। ओके, फिर हमने एक्टिविटी की थी कि अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड इन सर्कल द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने क्या करना था, एडवर्ब को इन सर्कल करना था, नहीं, एडवर्ब को अंडरलाइन करना था और वर्ब को हमने सर्कल करना था, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें कि द टर्टल्स मूव्ड स्लोली, मूव्ड हरकत करना, हरकत करना इज अ वर्ब, एंड स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से वो हरकत करता है, तो हमने वर्ब को सर्कल कर दिया और एडवर्ब को अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से द सन शाइन्स ब्राइटली, शाइन्स इज अ वर्ब, वर्ब को हमने सर्कल कर दिया, ब्राइटली इज एडवर्ब, तो एडवर्ब को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से मैंने ये सारी आपको ट्रांसलेट कर दी थी, आई होप आपने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 थी कि मेड एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स बाय एडिंग एल्बाई। ये जो एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं, ये जो हमें किसी भी चीज़ की खूबी या खामी दी गई है, उसको उसके एंड पे आपने क्या करना था, एल्बाई का एडिशन करना था, तो वो क्या बन जाता, एडवर्ब बन जाता। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज मैच द एडवर्ब्स विद अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मतलब कि उलट, मुतजाद, ठीक है, कि एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स और अपोजिट दोनों दिए गए हैं, लेकिन वो रेंडमली अरेंज है, तो हमें क्या करना है, उसको मैच करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये आपके लिए लिख दिए हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्डिंग आपको नहीं समझ आ रही, तो साथ ही आप अपनी बुक भी ओपन रखें, पेज नंबर 8 पे हमारी एक्टिविटी है कि मैच द एडवर्ब्स विद अपोजिट मीनिंग, जो मैं आपको अभी बोर्ड पे करवाने लगी हूँ। सबसे पहला हमारा वर्ड है सैडली, उदास, ठीक है, तो उदास, कबड्डी, बुजदिल, डरपोक, रूडली, बदतमीज, वाइजली, अक्लमंद, क्विकली, तेजी के साथ, हैप्पीली, खुश। तो सैडली उदास, तो उदास होने का उलट क्या होगा, खुश होना, तो सिंपल हम सैडली को मैच कर देंगे हैप्पीली के साथ। ओके,
नेक्स्ट वर्ड इज केयरफुली, एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। तो केयरलेसली, लापरवाही के साथ। तो ये दोनों आपस में उलट है, सिंपली हम इसको मैच कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, स्लोली क्विकली, तेजी के साथ। तो आप हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। सबसे पहले ये वर्ड्स और अपोजिट के मीनिंग आपको आना चाहिए कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, देन आपके लिए ये मैचिंग बहुत ज्यादा आसान होगी। ओके, ठीक है, स्लोली क्विकली, ब्रेवली ब्रेवली, बहादुरी से, ठीक है, जरद के साथ, पॉवर्टी बुजदिली के साथ। तो हम ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, इसको मैच कर देंगे। लाउडली बहुत ऊंचा, क्वाइटली आहिस्तगी से, खामोशी से, ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये मैच हो जाएंगे। पोलाइटली नरम अंदाज में, शायस्तगी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से बोलना। रूडली बदतमीजी के साथ पेश आना, ये दोनों अपोजिट हैं, तो हम इसको मैच कर देंगे। फुलिशली बेवकूफाना, वाइजली अकलमंदाना, ठीक है। फुलिशली मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही कि क्या मैं बात करूँ, तो आप कोई भी बात बोल देते हो, ठीक है, आपको नहीं समझ आती कि इस मौके पे ये बात करनी है या नहीं करनी, उसे हम कहते हैं बगैर सोचे समझे कोई एक्शन कर देना। तो फुलिशली को हम मैच कर देंगे रूडली के साथ। ओके, वी हैव डन, हमने ये कॉलम को मैच कर लिया, या आपका क्लास वर्क है, या आपने अपनी बुक के ऊपर ही प्रॉपर अपने स्केल के साथ ये कॉलम्स मैच करने हैं, ताकि आपकी बुक के ऊपर निहायत नीटली ये काम हो। ओके, सेकेंड नंबर पे आप देखोगे चूज द बेस्ट एडवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब हमने क्या करना है, हमें ब्रैकेट के अंदर दो एडवर्ब्स दिए गए हैं, हमने हमें पता होगा कि इन दोनों की मीनिंग क्या है, तो हम उस सेंटेंस के मुताबिक अपनी ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप देखो कि आई विस्पर्ड डैश, ठीक है, होपफुली उम्मीद होना किसी भी चीज़ की, क्वाइटली आहिस्तगी के साथ। आई विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना, किसी के कान में कोई आहिस्ता से बात कह देना, जहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो वहाँ पे हम विस्परिंग कर देते हैं। तो इस सेंटेंस के हिसाब से इन दोनों एडवर्ब्स में से क्वाइटली को आप टिक करोगे, ठीक है, उसको आप मार्क करोगे और देन राइट इट इन द ब्लैंक। तो फिर आप ब्लैंक के अंदर ये लिख दोगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि आई विस्पर क्वाइटली। ओके, सेकंड ही आस्क्ड डैश, उसने कहा, क्या कहा, पोलाइटली निहायत नरमी के साथ, शायस्तगी के साथ, अच्छे तरीके से, टायर्डली थके हुए अंदाज में। तो ही आस्क, इस सेंटेंस के हिसाब से इस ब्रैकेट में हम पोलाइटली को मार्क करेंगे और पोलाइटली को फिर ब्लैंक के अंदर लिख देंगे। थर्ड, दे लिव्ड डैश, वो रहते हैं स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, एंड हैप्पीली खुशी के साथ। तो सेंटेंस के हिसाब से आप हैप्पीली को मार्क करोगे और फिर ब्लैंक के अंदर लिखने के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा कि दे लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहते हैं। सेकंड सेंटेंस आप देखोगे शी रोट द लेटर डैश, उसने एक खत लिखा, कैसे लिखा, काइंडली रहमदिली के साथ, नीटली साफ सुथरा, ठीक है। तो नीटली को आप मार्क करोगे और ब्लैंक के अंदर लिखने के बाद शी रोट द लेटर नीटली, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेकंड सेंटेंस पे आप आ जाए, सेंटेंस नंबर 5 है हमारा कि वी ड्रेस्ड डैश, हमने लिबास पहना, कैसे, सिंपली सादा सा, बिजीली मसरूफ। तो आप सिंपली को मार्क करोगे और फिर ब्लैंक के अंदर लिख दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द चिल्ड्रन शाउटेड, बच्चे जो हैं वो चीख रहे थे, लाउडली बहुत ऊंची आवाज़ में, क्वाइटली आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको पता है कि शाउटेड चीखना चिल्लाना, वो कभी भी आहिस्ता आवाज़ में आप चीख नहीं सकते, चीखने के लिए आपको आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, लाउडली को मार्क करेंगे और ब्लैंक के अंदर लिख देंगे। इट रेंड डैश नोबली मुअस्सस तरीके से, हैवीली बहुत शदीद। तो इट रेंड बारिश हुई, हैवीली बहुत शदीद बारिश हुई। द शिप वॉज मूविंग, बड़ी जहाज हरकत कर रहा है, सिंपली सादा तरीके से, और स्लोली या आहिस्ता आहिस्ता। तो आप स्लोली को मार्क करोगे और फिर देन आप उसको ब्लैंक के अंदर लिखोगे। या आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट की हैं, सेम इसी तरीके से आपने ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद आपने इनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है, साथ ही आपने इसको याद कर लेना है। ओके, क्लास वर्क आपका क्या है कि आपने ये एक्टिविटीज़ बुक के ऊपर कंप्लीट करनी है
और राइट डाउन योर डायरी, आप डायरी लिखोगे अपने होमवर्क के लिए, तो आपकी डायरी क्या है कि पेज नंबर 8 फ्रॉम बुक, ठीक है, बुक आप बुक से आपने सफर नंबर 8 निकालना है, इस फॉर होमवर्क एंड डन। और आपने क्या करना है कि ये आपका होमवर्क है, आपने इसको होमवर्क भी कंप्लीट करना है, ठीक है। बुक के ऊपर ही आप होमवर्क की हेडिंग दे दोगे, साथ ही आप डेट और डे मेंशन कर दोगे कि इस डे को, इस डेट को हमें ये होमवर्क दिया गया। आप इसी तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, अपने सारे लेक्चर्स को सुन के अपना काम जल्दी से कंप्लीट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।